करेंगे। क्या नाम है आपका? रवीश कुमार। अच्छा, आप लोग जो है मंडी में आके बेचते हैं धान, ये क्या सरकारी उसमें खरीद नहीं होती इसकी? सरकारी में नहीं होती है सर, मंडी बेचना पड़ता है, वहाँ सस्ता लेते हैं, कभी बड़ी निकालती है। अच्छा, नहीं तो क्या दिक्कत आती है सरकारी में बेचने पे? सरकारी में भाव भाव नहीं मिलता है। अच्छा, क्या रेट है इस समय यहाँ चल रहा है? ये मैम जो अभी धान की खरीद है, अभी आपके केंद्रों पे नहीं हो पा रही है, इसके पीछे का क्या मामला है? अभी मंडी में और जनपद में कहीं भी मोटे धान की आवक प्रारंभ नहीं हुई है। हमारा विभाग केवल कॉमन धान खरीदता है। अभी जो भी आवक मंडी में हो रही है वो केवल बासमती धान की हो रही है, जिसमें सुगंधा और 1509 की वैरायटी यहाँ पर आती है। तो हमारा विभाग केवल कॉमन और ग्रेड ए ही खरीदता है। अब किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य मिले, उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, यही सरकार की और शासन की मंशा है। तो बासमती धान का मूल्य क्योंकि ग्रेड ए और कॉमन से अधिक होता है, तो इसलिए वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं जहाँ उनको उनकी उपज का अधिकतम लाभ मिले।